हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजकुमार धाकड़। वेलकम बैक विथ न्यू वीडियो फॉर यू इन राज एग्रीकल्चर एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए RHEO का ओल्ड क्वेश्चन पेपर लाए हैं। ये दोस्तों हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है आपके लिए, और इसमें से अगेन माली हमारे पिछले वीडियो से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस इसमें आए हैं। तो चलो हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज इंडिकेटर प्लांट ऑफ ट्रस्टीजा इन सिट्रस। तो दोस्तों, जो ट्रस्टीजा का इंडिकेटर प्लांट कौन सा होता है? सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। कौन है दोस्तों ये? सिट्रस ऑरेंटिफोलिया सी आंसर है। सिट्रस रेटिकुला को मैंडरिन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? मैंडरिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज मोस्ट सुटेबल रूट स्टॉक ऑफ मैंडरिन। तो दोस्तों, मैंडरिन का अपने इंडिया में सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं? रफ लेमन यूज करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? रफ लेमन। ये स्पेशल खासी मैंडरिन के लिए होता है। क्या दोस्तों? तो करेक्ट आंसर इज वी। क्या दोस्तों? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिस्टेंस इज केप्ट इन मिड्डो ऑर्चर्ड। तो दोस्तों, आपको पता है कि मिड्डो ऑर्चर्ड में अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम है। इसमें जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मोस्टली 1 मीटर होती है या उससे भी कम होती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा, 2 × 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंडिंग इन गोवा प्लांट फेवर। तो दोस्तों, जो गावा में बेंडिंग क्यों करते हैं? किसके लिए करते हैं? बेटर फ्रूटिंग के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं दोस्तों? बेटर फ्रूटिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज कमर्शली यूज्ड इन ग्रेप्स फॉर बेरी इलोंगेशन। मीन्स दोस्तों, इसका मीन है कि अंगूर के फलों में जो बेरी को लंबा करने के लिए कौन सा हार्मोन यूज करते हैं? तो इसका आंसर दोस्तों जिब्रेलिक एसिड। बी इज करेक्ट आंसर, जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मैच्योरिटी इंडेक्स ऑफ ग्रेप। तो दोस्तों, ग्रेप को हम मैच्योरिटी कैसे पता करते हैं? तो इसे किससे करते हैं? TSS से। किससे करते हैं दोस्तों? टोटल सोल्यूबल सॉल्यूट से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लावरिंग इन पोमग्रेनेट ड्यूरिंग मृग बहार। दोस्तों, चाहे वो अपना पोमग्रेनेट हो या अपना गावा हो या अपना सिट्रस हो, जिसमें मृग बहार सभी में सेम होता है, इसमें जून जुलाई में फ्लावरिंग आता है। किस में आता है दोस्तों? जून जुलाई में। और हस्तवार में दोस्तों अक्टूबर में फ्लावरिंग आता है। किसमें? अक्टूबर में फ्लावरिंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपेन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। दोस्तों, हम कितनी बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो पेपेन किससे मिलता है? पपाया से मिलता है। तो दोस्तों, जो पेपेन मिलता है वो अनड्राई फ्रूट से मिलता है। किससे मिलता है? अनड्राई फ्रूट से। व्हाट इज ऑप्टिमम टाइम ऑफ प्रूनिंग इन बेर अंडर नॉर्थ इंडियन कंडीशन। तो दोस्तों, बेर का जो प्रूनिंग है जनरली ये समर में ही होता है। तो दोस्तों, ये मई लास्ट और मिड जून में होता है। तो ये ऑप्शन थोड़ा सा अपन को डिफिकल्ट लगा है। तो मई लास्ट और मिड जून। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अप्रैल मई होगा, या फिर आप जून जुलाई भी रख सकते हैं। बट इसका जो करेक्ट आंसर है क्या दोस्तों? आप मई लास्ट एंड जून, मिड जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी ऑफ बेर। तो दोस्तों, जो गोला है बेर की अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है। कैसी है? अर्ली मैच्योरिंग है। गोला याद रखिए, कौन सा दोस्तों? गोला। व्हाट इज ऑप्टिमम प्लांटिंग डिस्टेंस ऑफ फॉर पपाया। तो दोस्तों, पपाया की प्लांटिंग डिस्टेंस कितना होती है? तो दोस्तों, पपाया की एग्जैक्ट कितनी होती है? 1.8 × 1.8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? 2 × 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वैरायटी ऑफ पपाया इज डायोशियस। तो दोस्तों, पूसा ड्वार्फ इस डायोशियस है। कौन सा दोस्तों? पूसा ड्वार्फ। याद रखिए, पूसा ड्वार्फ इस डायोशियस इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसी इज मोस्ट सूटेबल फॉर रूट स्टॉक इन बेर। तो दोस्तों जो बेर के लिए रूट स्टॉक के लिए कौन सी स्पीसीज सूटेबल है, तो जिजीपस रोटंडीफोलिया इज सूटेबल। जिजीपस मॉरिशियाना सर दोस्तों इसका साइंटिफिक नाम है, ये जो कॉमन कल्टिवेटेड स्पीसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावरिंग टाइम इन आमला अंडर द नॉर्थ इंडिया कंडीशन इज। तो दोस्तों आमला की जो तीनों चीज़ें हैं दोस्तों क्या है, एक तो इसके हार्वेस्टिंग भी, इसकी फ्लावरिंग भी और इसकी फ्रूट बर्ड डिफरेंशिएशन, सभी किस्म होता है दोस्तों मार्च अप्रैल में होता है। हार्वेस्टिंग नहीं दोस्तों, फ्रूट बर्ड डिफरेंशिएशन एंड फ्लावरिंग किस्म होता है मार्च अप्रैल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्वार्फ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है M9 इज कैसा है, ड्वार्फ है। कैसा है, ड्वार्फ है M9। M9 को याद रखिए ड्वार्फ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेगर मेड फ्रॉम एप्पल जूस इज नॉन एज। तो दोस्तों जो एप्पल से बनता है उसको क्या बोलते हैं, सिडार बोलते हैं। किसके बोलते हैं दोस्तों, एप्पल से। लेकिन अगर वही कैश्यू एप्पल से बनता है दोस्तों तो उसको क्या बोलते हैं, फेनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, फेनी। और पेरी किससे बनता है दोस्तों, पियर से बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ डेट पाम इज सुटेबल फॉर छुआरा मेकिंग। तो डियर फ्रेंड्स, छुआरा के लिए कौन सी वेराइटी है सुटेबल, तो जी है दोस्तों खाड्रवी। कौन से दोस्तों, खाड्रवी। याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, छुआरा मेकिंग की वेराइटी है खाड्रवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वेस्टिंग सीजन ऑफ जामुन इज। तो दोस्तों आपको मालूम है जैसे जामुन आपको हमेशा बरसात के सीजन आने वाला होता है तभी मिलता है, तो इसका क्या है, जून जुलाई है। क्या है दोस्तों, जून जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूट स्टॉक इज यूज्ड फॉर सपोटा प्रोपेगेशन। तो दोस्तों ये तो आपको अच्छे से मालूम है, ऐसा क्या है, खिरनी है। सपोटा के प्रोपेगेशन के लिए क्या यूज करते हैं दोस्तों, खिरनी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ बेर। तो दोस्तों बेर में आपने देखा होगा जो मक्खी होती है, फ्रूट फ्लाई होती है, उसमें छेद कर देती है, तो उसका कौन सा है, ए सीरियस पेस्ट क्या है, फ्रूट फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ अनार बटरफ्लाई। तो दोस्तों अनार बटरफ्लाई का क्या होता है दोस्तों, इसमें तो कोई भी नहीं है दोस्तों। अनार बटरफ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है वो, तो दोस्तों अनार बटरफ्लाई का क्या नाम होता है, ब्रेचोला आइसोक्रेट्स होता है, जो कि इसमें नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ दीज। हैन एंड चिकन इज अ डिसऑर्डर ऑफ। दोस्तों हैन एंड चिकन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में, तो ये किसका डिसऑर्डर है, ग्रेप्स का है। सिट्रस कैंकर इज अ डिसीज। दोस्तों ये बैक्टीरियल डिसीज होती है, आपको बोलते हैं इसको बैक्टीरियल कैंकर भी बोलते हैं सिट्रस का, तो ये बैक्टीरियल डिसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपिंग ऑपरेशन इज डन इन। तो प्रोपिंग दोस्तों सपोर्ट को बोलते हैं, ये किस में करते हैं, बनाना में करते हैं। प्रोपिंग किस में करते हैं दोस्तों, बनाना में करते हैं। क्लोज प्लांटिंग ऑफ बनाना इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ। तो दोस्तों जब हाई डेंसिटी प्लांटिंग करते हैं बनाना में, तो क्या करते हैं सब सब फिंगर टिप डिसीज बढ़ जाती है। क्या होता है दोस्तों, फिंगर टिप डिसीज बढ़ती है। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो इज है। तो दोस्तों ब्लैक टिप क्या है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, हम इसको बहुत बार डिस्कस किए हैं। क्या है दोस्तों, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो किससे होता है, जो आसपास में ईंट की भट्टियां होती है, जो ब्रिक्स क्लींस होते हैं उनसे, उनके निकलने वाले धुएं से बंद होता है। विच पेस्ट कॉजेज डैमेजिंग ड्यूरिंग फ्लावरिंग टाइम ऑफ मैंगो। तो दोस्तों उस टाइम आपने देखा होगा मैंगो हॉपर बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। क्या होता है दोस्तों, मैंगो हॉपर। एस्पेरिगस इज ए वेजिटेबल। दोस्तों सबको मालूम है एस्पेरिगस कैसा होता है, पेरिनियल वेजिटेबल है और इसका स्पियर एडिबल पार्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, स्पियर। सेलरी इज अ वेजिटेबल, सेलरी लीफी वेजिटेबल है। दोस्तों इसकी लीफ और इसमें पेटियोल, इसका अपन एज ए वेजिटेबल यूज करते हैं। वेजिटेबल सीडलिंग ग्रो इन नर्सरी आर रेडी इन वीक फॉर ट्रांसप्लांटिंग फील्ड। तो कितने दिनों में जो सब्जियों की नर्सरी तैयार हो जाती है, तो एवरेज अपन को देखना है फ्रेंड्स। तो जनरली आपको मालूम मोस्ट ऑफ
30 से 40 दिन में हो जाते हैं। तो अपन अगर मिर्ची को भी इंक्लूड करें तो 45 दिन तक हो जाता है, 4 to 6 वीक में हो जाएगा। कितना दोस्तों? 4 to 6, ये सभी को कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स रिच इन विटामिन सी? तो दोस्तों आपको मालूम है कि चिल्लीज विटामिन सी बहुत होता है। क्या दोस्तों? चिल्ली में विटामिन सी बहुत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ टोमेटो? तो दोस्तों टमाटर का सबसे जो बड़ा कौन सा है पेस्ट, सबसे ज्यादा सीरियस? तो फ्रूट बोरर है। कौन सा दोस्तों? फ्रूट बोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉसम एंड रॉट इन टमाटो इज कॉज्ड बाय? तो दोस्तों जो ब्लॉसम एंड रॉट होता है, जो टमाटर का फल जो आगे का अपेक्स भाग सड़ जाता है, वो किसी कारण होता है? कैल्शियम डिफिशियंसी कारण होता है। किससे? कैल्शियम डिफिशियंसी। रूट नॉट नेमेटोड इन टोमेटो इज कॉज्ड बाय? तो दोस्तों रूट नॉट नेमेटोड की कौन सी स्पीसीज होती है टमाटर में जो डिसीज करती है? तो ये कौन सी होती है दोस्तों? मिलोडोगाइनी होती है। कौन सी दोस्तों? मिलोडोगाइनी। व्हाट इज आइडियल सीड रेट ऑफ हाइब्रिड वेराइटी ऑफ टोमेटो टू राइज सीडलिंग फॉर 1 हेक्टेयर? दोस्तों 1 हेक्टेयर में अगर हमको फसल लगानी है हाइब्रिड टमाटर की, तो हमको कितना बीज की जरूरत होगी? तो इसको चाहिए 100 से 125 ग्राम। कितना चाहिए दोस्तों? 100 से 125 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकोपेन डेवलपमेंट इन टोमेटो एडवर्सली अफेक्टेड व्हेन द टेम्परेचर गोइज अबव? तो दोस्तों मोस्ट ऑफ इसमें ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो 20 इज द करेक्ट आंसर। अगर 21 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब टेम्परेचर जाता है, तो अपने लाइकोपेन कंटेंट बहुत तीव्र गति से घटने लगता है। किसी किसी बुक में दोस्तों 25 भी दिया है, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है, तो इसमें 20 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पियर शेप्ड वेराइटी ऑफ टोमेटो? तो दोस्तों जो पियर शेप्ड है, कैसी कौन सी वेराइटी है? तो पंजाब छुआरा तो दोस्तों छुआरा टाइप है, ऐसा लालिमा भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा दोस्तों? पंत बहार इज द करेक्ट आंसर। पंत बहार से पियर शेप वेराइटी है दोस्तों। पूसा रूबी पॉपुलर है, लेकिन ये पियर शेप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावर एंड फ्रूट ड्रॉप इन चिल्ली कैन बी कंट्रोल बाय स्प्रिंग ऑफ? दोस्तों फ्लावर एंड फ्रूट ड्रॉप इन चिल्ली, तो दोस्तों मिर्ची में जो फल गिरते हैं और फूल गिरते हैं, उसको रोकने के लिए क्या अपन डालते हैं? तो उसमें दोस्तों NAA 50 PPM डालते हैं। क्या दोस्तों? NAA 50 PPM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीफ कर्ल वायरस ऑफ चिल्ली इज ट्रांसमिटेड बाय? तो दोस्तों जो पत्ती का जो कुकरा रोग होता है, कुकरा जिसमें लीफ सिकुड़ जाती है, वो किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? व्हाइट फ्लाई के। किससे होता है दोस्तों? सफेद मक्खी से। बिटरनेस इन बिटर गार्ड इज ड्यू टू? तो दोस्तों जो कड़वापन होता है किसमें? करेले में, वो किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? मोमोडेशन होता है। किसमें दोस्तों? इसमें क्या होता है? मोमोडेशन होता है। इसके कारण जो करेला होता है वो कड़वा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स फॉर्म ऑफ कुकुरविट इज? दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, मोस्ट ऑफ कुकुरविट्स में जो अभी रिसेंट फॉर्म तो मोनोशियस है, बट इसमें सेक्स फॉर्म पूछा है, तो हम इसमें प्रिमिटिव फॉर्म के बारे में बताएंगे। तो प्रिमिटिव फॉर्म में कुकुरम्बर वगैरह कैसे हैं दोस्तों? हर्माफ्रोडाइट हैं। कैसे हैं दोस्तों? हर्माफ्रोडाइट हैं। तो इसमें मोस्ट ऑफ कुकुरविट्स कैसे हैं दोस्तों? हर्माफ्रोडाइट हैं, प्रिमिटिव फॉर्म में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों अगर अगर इसमें अगर अगर ऐसा पूछा जाता है कि एडवांस सेक्स फॉर्म कौन से कुकुमर की, तो मोनोशियस आंसर होगा। किसका दोस्तों? एडवांस सेक्स फॉर्म ऑफ कुकुमर कौन सा होगा? वो दोस्तों मोनोशियस आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ क्रॉस पोलिनेशन इन ओनियन? तो यू नो वेरी वेल फ्रेंड्स, ओनियन इज अ प्रोटेनरी। क्या है दोस्तों? ओनियन में प्रोटेनरी पाई जाती है, तो इसके कारण इसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिटरमिनेट टाइप वैरायटी ऑफ टोमेटो? तो दोस्तों इंडिटरमिनेट कौन सा है, तो आपको मालूम है रूबी इज द इंडिटरमिनेट टाइप। कैसे दोस्तों? रूबी इज द इंडिटरमिनेट, मीन्स ये कंटिन्यूस ग्रोथ करती है, कद्दू और लौकी की तरह बहुत हाइट तक ग्रोथ करती है, अगर इसको सपोर्ट करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ चिल्लीज?
तो दोस्तों जैसे हम बहुत बार डिस्कस किए हैं, वो सिंपल पेपर है, लेकिन इसमें कई सारे बहुत अच्छे और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हम आपके लिए नए नए क्वेश्चंस लाते रहेंगे, नए नए पेपर्स अपलोड करते रहेंगे। अगर अभी आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे वीडियो अब तक टाइमली पहुंचते रहेंगे। और दोस्तों इसको अपने दोस्तों को शेयर कर दें, तो आपके दोस्त भी आपकी तरह अच्छी इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल लीफ डिसीज ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय। तो दोस्तों किससे होती है? माइकोप्लाज्मा से होती है। किससे? माइकोप्लाज्मा। दोस्तों लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल कभी कभी जिंक भी ऑप्शन में आता है, लेकिन मेनली ज़्यादा से ज़्यादा किससे होती है? माइकोप्लाज्मा से होती है। लेकिन किसी किसी क्रॉप में लिटिल लीफ किसके कारण होता है? जिंक की डिफिशियंसी कारण भी होता है। तो आप याद रखिए दोस्तों, आप हमेशा ऑप्शन देख के ही आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड वेजिटेबल क्रॉप इन रिकमेंडेड फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन इन इंडिया। तो दोस्तों अभी आपको जैसे मालूम है कि जो जीएम क्रॉप की जो अप्रूवल अभी दिया गया है, लेकिन इसको बाद में हमारे संसद भवन से पास नहीं किया गया है, इनके लिए कोई बिल पारित नहीं हुआ था, जबकि इसको इन्वायरमेंटल कमिटी ने अप्रूवल दे दिया था। तो करेक्ट आंसर कौन सा दोस्तों? ब्रिंजल। हाउ मच आइसोलेशन डिस्टेंस केप्ट इन ब्रिंजल फॉर सीड प्रोडक्शन। तो दोस्तों जो ब्रिंजल ब्रिंजल की सीड प्रोडक्शन डिस्टेंस है वो कितनी है? 100 to 200 है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने ये ऑप्शन इस करेक्ट माना है। कितना? तो सर्टिफाइड सीट के लिए इसमें 100 अपन रख सकते हैं। तो ये इज द करेक्ट आंसर। सही है दोस्तों, 100% करेक्ट है। आप याद रखिए। तो CPRI कहाँ पर है दोस्तों? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है। सबको पता है दोस्तों, कुफरी एरिया शिमला में है। पोटैटो क्रॉप इज प्लांटेड एट द स्पेसिंग ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखिए, पोटैटो 45 x 30 cm की स्पेसिंग पर प्लांट किया जाता है। कितना दोस्तों? 45 x 30, 45 × 30 cm दूरी पर इसको लगाया जाता है। मीन्स 45 45 क्या है दोस्तों? ये रो टू रो डिस्टेंस है, रो टू रो डिस्टेंस। और ये कितना है दोस्तों? ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 30। तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि टमाटर की स्पेसिंग कितनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इस तरह का एक दो क्वेश्चन। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। विच केमिकल इज यूज फॉर ब्रेकिंग डोरमेंसी इन पोटैटो। तो पोटैटो की डोरमेंसी 1% थायोरिया यूज करते हैं। क्या दोस्तों? 1% थायोरिया। तो दोस्तों हम कोलचिशन के बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको इसका कोलचिशन का फंक्शन क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर दोस्तों आप सही ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो आपको ये पक्का मालूम होगा। तो आप कोलचिशन का फंक्शन आप और NaA का और इथोफोन का, इन सभी के फंक्शंस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ट्यूबराइजेशन इन पोटैटो। तो फ्रेंड्स ट्यूबराइजेशन के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना दोस्तों? 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेप्टेम्बर इज ए वैरायटी ऑफ। दोस्तों तो आपको मालूम है अगस्त और सेप्टेम्बर किसकी वैरायटी है? कैबेज की वैरायटी है। किसकी? कैबेज की वैरायटी है। वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी है दोस्तों, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लाइमेटिक फैक्टर इज मेनली इंक्लूड द कर्ड इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट इन कॉलीफ्लावर। तो दोस्तों आपको जैसा मालूम है कि जो कॉलीफ्लावर है वो कैसी है? टेम्परेचर सेंसिटिव है। तो ये किससे इफेक्ट होता है? टेम्परेचर से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच आइसोलेशन डिस्टेंस केप्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड इन कोल क्रॉप्स। तो दोस्तों आपको जैसे मालूम है कि सर्टिफाइड सीड के लिए तो 1000 होता है कोल क्रॉप में, और दूसरा जब अपन ब्रीडर सीड और उनके बनाते तो उसका 1500 से 1600 होता है। तो याद रखिए दोस्तों, सी इज द करेक्ट आंसर। ब्राउन इन कॉलीफ्लावर ऑकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो दोस्तों जो कॉलीफ्लावर ब्राउनिंग होता है वो किसके कारण होता है? बोरोन डेफिशिएंसी कारण होता है। किससे होता है दोस्तों?
बोरोन डिफिशियंसी। और दोस्तों मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी से कौन सा डिसऑर्डर होता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड बैक मॉथ इज द सीरियस पेस्ट ऑफ। तो दोस्तों जो डायमंड बैक मॉथ किसका सीरियस पेस्ट है, कॉलीफ्लावर का है। किसका दोस्तों, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर का होता है, तो इसमें कॉलीफ्लावर आंसर में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ ओकरा इज रेसिस्टेंट टू येलो बीन मोजाइक वायरस। तो वाई वी एम वी भी बोलते हैं दोस्तों इसको, क्या बोलते हैं, वाई वी एम वी। तो ये एक अर्का नामिका, अर्क वसंत उपहार, पंजा पद्मिनी, तो ये दोस्तों सभी के सभी कैसी हैं, इसके लिए रेसिस्टेंट है। तो यार देखिए मोस्ट ऑफ जो ओकरा के जो वेराइटी आ रही है दोस्तों वो सभी के सभी येलो बीन मोजाइक वायरस के लिए रेसिस्टेंट है। व्हाट इज द ऑप्टिमम सीड रेट केजी पर हेक्टेयर ऑफ समर सीजन ओकरा। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि ओकरा की समर समर में सीड रेट कितनी होती है, 18 से 20 केजी होती है। जबकि अगर हम अभी बात कर रहे हैं करते हैं खरीफ की, तो खरीफ में दोस्तों इसकी कम होती है, इसकी कितनी होती है, लगभग 10 से 12 केजी होती है। कितना, 10 से 12 केजी होती है। तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज द मोस्ट सीरियस डिसीज ऑफ ओकरा। तो दोस्तों ओकरा की जो सबसे बड़ी बीमारी क्या है, येलो वीन मोजैक वायरस, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, ओकरा इज ए मेम्बर ऑफ फैमिली। तो ओकरा की कौन सी फैमिली आती है दोस्तों, मालवेसी। तो दोस्तों मालवेसी और किसकी फैमिली है, कॉटन वगैरह की फैमिली है। किसके दोस्तों, कॉटन के। क्रूसीफेरी में सभी को जे कद्दू लौकी तोरई सभी आते हैं, तो आपको अच्छे से मालूम है। मेरी फेरी में धनिया वगैरह आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एफ1 हाइब्रिड ऑफ कुकुमर। तो दोस्तों जो कुकुमर का एफ1 हाइब्रिड कौन सा है, पूसा संयोग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए कुकुमर का एफ1 जो गवर्नमेंट ओनली जो ब्रांड बना पाई है वो एफ1 हाइब्रिड कौन सा है, पूसा संयोग है। बहुत सुपीरियर वेराइटी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुकुमर इज डायोसियस इन नेचर। तो दोस्तों आपको पता है कुकुमर तो मोनोसियस होता है, बोटलगार्ड मोनोसियस है। ये एडवांस सेक्स फॉर्म है दोस्तों, लेकिन अगर प्रिमिटिव सेक्स फॉर्म पूछते जाते हैं तो कौन सा हार्म प्रोडक्ट है। तो फिर डियर फ्रेंड्स, पॉइंटेड गार्ड और स्कारलेट गार्ड कैसे होते हैं, डायोसिस होते हैं। कैसे होते हैं, डायोसिस इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेराइटी ऑफ मस्क मेलोन। तो दोस्तों अर्का ज्योति आपको मालूम है कि ये मस्क मेलोन की वेराइटी नहीं है, बाकी दुर्गापुर मधु, पूसा रसराज, अर्का राज हंस, ये सभी किसकी वेराइटी है, मस्क मेलोन की। किसकी दोस्तों, खरबूज की वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर्शियल सीड प्रोडक्शन ऑफ यूरोपियन टाइप कैरोट कैन बी डन एट। तो यू कैन, यू नो एवरी वन, यू नो वेरी वेल फ्रेंड्स, जो इसके सीड प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, टेम्परेट में होता है। क्योंकि दोस्तों यूरोपियन टाइप कैसा है, टेम्परेट टाइप है, इसको बहुत कूल क्लाइमेट चाहिए होता है। तो दोस्तों इसका कहाँ पर नहीं कर सकते हैं, जबलपुर। जबलपुर, जबलपुर दोस्तों प्लेन एरिया है, यहाँ पर इसका सीड प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑप्टिमम सीड रेट केजी पर हेक्टर ऑफ कैरेट। तो दोस्तों इसमें भी थोड़ा सा है, कैरेट का जो एक्चुअल सीड रेट ऑफ 5 to 6 केजी होता है, कितना दोस्तों, 5 to 6 केजी। तो 4 to 5 इज द करेक्ट आंसर। डिलेड हार्वेस्टिंग इन रेडिस में ऑकर। तो दोस्तों अगर हम हार्वेस्टिंग को डिले करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है, पिटनेस बढ़ जाता है। आपको मालूम है दोस्तों बहुत इसके अंदर जो रॉड टाइप वो निकलता है, जिसको पित बोलते हैं, बहुत टाइट हो जाती है और इसमें रेसेस बन जाते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होता है दोस्तों, फोर्किंग किससे होता है, जब हार्डपन होता है सॉइल का, इनिशियल टाइम पर जब हार्डपन होता है तो फोर्किंग हो जाता है, और अनडिकम्पोज्ड FIM के डालने से भी फोर्किंग होता है। डिफॉर्म्ड रूट, तो दोस्तों ये इसका ऐसा कोई है नहीं प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेम्परेट टाइप वैरायटी ऑफ रेडिस। तो दोस्तों आपको मालूम है कि पूसा हिमानी इज अ टेम्परेट और यूरोपियन टाइप वैरायटी है, लेकिन इसके साथ रैपिड रेडन वाइट टिपडी भी है। तो फ्रेंड्स इसमें बी इज द करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब हम किसी सिक्वेंस में जाते हैं ए बी सी डी, तो जो पहले आता है उसी को हम सही आंसर मानते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, बी। लेकिन ये दोनों ही टेम्परेट टाइप है कुछ दोस्तों, रैपिड रेड एंड वाइट टिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्फेक्ट
पाउडरी मिल्ड्यू रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ पी। फ्रेंड्स बहुत ओल्ड वैरायटी है ये, अभी ज़्यादा चलन में नहीं है, लेकिन जवार मटर 5 इज द रेसिस्टेंट फॉर पाउडरी मिल्ड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आइडियल सोइंग टाइम ऑफ अर्ली वैरायटी ऑफ पी। तो दोस्तों जैसे आपको माल अक्टूबर नवंबर, तो इसका नॉर्मल सोइंग सीजन है, तो इसका सेप्टेम्बर अर्ली होता है, तो इसको याद रखिए, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ वैरायटी ऑफ गार्लिक। तो दोस्तों एग्रीफाइन व्हाइट इज गार्लिक वैरायटी, एग्रीफाइन पार्वती इज अ गार्लिक वैरायटी, एंड एग्रीफाउंड लाइट रेड इज द ओनियन वैरायटी। याद रखिए कैसा दोस्तों, एग्रीफाउंड लाइट रेड इज ओनियन वैरायटी, और यमुना सफेद इज अ गार्लिक वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द येलो कलर इन ओनियन इज ड्यू द पिगमेंट ऑफ। दोस्तों आपको मालूम है अगर येलो कलर आता है तो लोग कैरोटीन जनरली आंसर देख के लगा देते हैं, लेकिन ओनियन में किसी कारण होता है, ये क्यू सर्टेन के कारण होता है। किसी कारण होता है दोस्तों, क्यू सर्टेन कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ ओनियन इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन खरीफ सीजन। तो दोस्तों आपको मालूम है खरीफ सीजन में कौन सी होती है, या तो N53 होती है या एग्रीफाउंड डार्क रेड होता है। कौन सा दोस्तों, N53 या एग्रीफाउंड डार्क रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्टिंग इन ऑनियन टेक्स प्लेस ड्यू द। दोस्तों जैसे आपको पता है, या तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के कारण बोल्टिंग होता है, या फिर हाई टेम्परेचर के कारण बोल्टिंग होता है। किसी कारण होता है दोस्तों, हाई टेम्परेचर के कारण बोल्टिंग होता है। इसीलिए आपको मालूम है कि ओनियन में सीड प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा टेम्परेचर अच्छा होता है, क्योंकि उसमें जल्दी से जल्दी बोल्ट निकल जाते हैं। बोल्टिंग किसको बोलते हैं दोस्तों, इमरजेंस ऑफ फ्लावर स्टॉक। किसको बोलते हैं दोस्तों, इमरजेंस ऑफ फ्लावर स्टॉक, जो जो उसमें फ्लावर निकल जाता है, उसकी डंडी निकल जाती है, उसको बोल्टिंग बोलते हैं। विच पोर्शन ऑफ द प्लांट इज कंसिडर्ड फ्री फ्रॉम वायरसेस। तो दोस्तों आपको हमारा मेरिस्टेम कल्चर जो हम यूज करते हैं टिश्यू कल्चर में, तो क्यों करते हैं, क्योंकि ये वायरस फ्री होता है। किस कारण होता है, वायरस के फ्री होता है। किससे होता है दोस्तों, वायरस से फ्री होता है, मेरिस्टेम कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग इज मोस्ट पॉपुलर प्रोपिगेशन मेथड। तो दोस्तों सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग किस में करते हैं, मैंगो में करते हैं। किस में करते हैं दोस्तों, मैंगो में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड नॉट प्रोड्यूस टू टू टाइप प्लांट। तो कौन सा है दोस्तों जो टू टू टाइप प्लांट नहीं करता। टिश्यू कल्चर में सभी टू टू टाइप मीन्स सेम टू सेम एज मदर प्लांट। तो टिश्यू कल्चर में वैसे ही होता है दोस्तों, कटिंग में भी टू टाइप होता है, इनआरचिंग भी टू टू टाइप होता है, क्योंकि ये सभी वेजिटेटिव मेथड ऑफ प्रोपेगेशन है। बट सीड इज अ सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। कैसा दोस्तों, सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीएम्ब्रोनी इज फाउंड इन। तो दोस्तों आपको मालूम है पॉलीएम्ब्रोनी मैंगो पाई जाती है, सिट्रस में पाई जाती है, जामुन में पाई जाती है। तो डी इज करेक्ट आंसर। द कन्वर्जन ऑफ ओल्ड अनप्रोडक्टिव प्लांट इनटू प्रोडक्टिव प्लांट कैन बी डन बाय। जैसा कि ये क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है कि जैसे पुराने प्लांट को नए प्लांट में किस विधि के द्वारा डेवलप किया जा सकता है। तो दोस्तों इसको रिजुवेनेशन ऑफ ऑर्चर्ड बोलते हैं, इसको यंग ऑर्चर्ड बनाना। तो किसके कारण होता है, टॉप वर्किंग के कारण होता है। किसके कारण, टॉप वर्किंग मेथड से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर रूट इनिशिएशन इन कटिंग। तो दोस्तों ये कौन सा है, आईबीए होता है, ये ऑक्सीजन है दोस्तों। ये कौन सा है, आईबीए, ये नेचुरल ऑक्सीजन है। कैसा है दोस्तों, सॉरी ये आईबीए एक ऑक्सीजन है, जो आईए होता है वो नेचुरल ऑक्सीजन होता है। कौन सा, इंडोल 3-एसिटिक एसिड होता है वो दोस्तों, वही नेचुरल ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो ग्राफ्टिंग इज यूज टू प्रोड्यूस सिट्रस प्लांट फ्री फ्रॉम। तो दोस्तों जो सिट्रस में माइक्रो ग्राफ्टिंग करते हैं, उसका मेन उद्देश्य यही है कि ये वायरस फ्री प्लांट मटेरियल हमको मिल सके। तो इज द करेक्ट आंसर। स्वीट पोटैटो इज प्रोपिगेटेड बाय। तो दोस्तों आपको पता है स्वीट पोटैटो किससे होती है, वाइन कटिंग, या इसकी जो स्टेम होता है उसकी कटिंग से इसको प्रोपेगेशन करते हैं। स्टूलिंग इज अ कॉमन मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप हमको आपको हम बता देते हैं, इनमें से कोई सी भी
क्रॉप के स्टूलिंग से प्रोपगेशन नहीं होता है, लेकिन उनमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है तो हम इसमें आंसर डी दे देते हैं। लेकिन कभी कभी गुआवा में इसका आंसर बताते हैं कि गुआवा, लेकिन दोस्तों गुआवा में स्टूलिंग नहीं करते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजरिंग ऑफ टोटल सोलबल सॉलिड्स। तो दोस्तों इसको बोलते हैं रिफ्रेक्टोमीटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? हैंड रिफ्रेक्टोमीटर बोलते हैं। तो आप देखिए, टेंड्रोमीटर से किसका मैच्योरिटी मेजर करते हैं दोस्तों? आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। अगर आप सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत हार्ड वर्कर हैं, तो इसका आंसर आप तुरंत अभी का भी टाइप करके बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजिटेबल आर कैंड इन। तो दोस्तों जैसे वेजिटेबल की जो कैनिंग करते हैं वो किसमें करते हैं? ब्रैन सोल्यूशन। ब्रैन सोल्यूशन किसका होता है दोस्तों? ये होता है नमक का। किसका होता है फ्रेंड? नमक का होता है। और जो फ्रूट्स का किस्म करते हैं दोस्तों? सिरप। सिरप में किस्म किसका होता है दोस्तों? शुगर का होता है। फ्लेम पीलिंग इज डन फॉर। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम, फ्लेम पीलिंग ओनली ओनली ओनियन के लिए करते हैं। फ्लेम पीलिंग किसके लिए करते हैं? ओनियन के लिए करते हैं। जबकि लाई पीलिंग किसके लिए करते हैं दोस्तों? पोटैटो एंड कैरेट के लिए भी करते हैं। किसके लिए करते हैं? पोटैटो एंड कैरेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सुटेबल फ्रूट फॉर कॉर्डियल प्रिपरेशन। तो दोस्तों कॉर्डियल किससे बनता है? लेमन से बनता है। किससे बनता है दोस्तों? लेमन, लेमन से बनता है, याद रखिए। कॉर्डियल किससे बनता है? लेमन, लेमन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री कूलिंग। तो दोस्तों यू नो वेरी वेल, प्री कूलिंग इज डन फॉर रिमूवल ऑफ फील्ड हीट। किसके करते हैं दोस्तों? फील्ड हीट को निकालने के लिए। जो धूप में तपती रहती हैं सब्जियां, उनकी जो गर्मी को निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? फील्ड हीट करते हैं। स्टार्च आयोडीन टेस्ट इज एसोसिएटेड फॉर द जजिंग मैच्योरिटी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि स्टार्च आयोडीन टेस्ट हम किस लिए करते हैं, किसकी मैच्योरिटी इंडेक्स के लिए करते हैं। तो प्लीज इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ये आपके लिए छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट पार्ट ऑफ प्रिजर्विंग फ्रूट प्योर फ्रूट जूस। तो दोस्तों फ्रूट जूस जो अपन प्रिजर्व करते हैं उसको किससे करते हैं? उसमें हम किसी तरह का केमिकल नहीं ऐड करते। उसको किससे करते हैं दोस्तों? पाश्चुराइजेशन से करते हैं। किससे करते हैं? पाश्चुराइजेशन से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड जाम शुड बी कंटेन इनवर्ट शुगर ऑफ। तो दोस्तों जैसा कि इसमें बहुत दूर दूर ऑप्शन है, जाम में 68% शुगर पर यूज करते हैं, तो इसका 51 से 70% सही जाएगा दोस्तों। ये 71% तो बहुत ज़्यादा हो गया। और जेली में कितना करते हैं दोस्तों? 65% करते हैं। कितना? 65%। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग बेस्ट जेली। तो दोस्तों जेली किससे बनाते हैं? गवा से बनाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जेली बनाने के लिए हमको फर्म एंड राइप फ्रूट चाहिए। कैसे? टाइट हो और वो पके हुए हों। ऐसा नहीं कि पिलपिले पर फ्रूट्स लेके आए जो जेली बना रहे हैं, वो सबसे बेकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिजर्वेटिव इज यूज टू प्रिजर्विंग टोमेटो केचप। दोस्तों देखो टोमेटो केचप कलर होता है, कैसा होता है? कलर्ड होता है, इसीलिए इसको प्रिजर्वेशन के लिए क्या करते हैं दोस्तों? सोडियम बेंजोएट यूज करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? सोडियम बेंजोएट करते हैं। लेकिन अदर मोस्ट ऑफ में क्या करते हैं? पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट, KMS बोलते हैं इसको, वो यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर पिकल मेकिंग वन वन कैन यूज मैक्सिमम परसेंट साल्ट। तो दोस्तों इसमें हम ओनली 15% साल्ट यूज कर सकते हैं, इससे अपन साल्ट यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो दोस्तों ये कहाँ पर है? केसरगढ़। कहाँ पर है? ये केरला में है, केसरगढ़ केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल्मीरा पाम इज नेटिव ऑफ। तो दोस्तों पाल्मीरा पाम का नेटिव कहाँ पर है? ट्रॉपिकल अफ्रीका। तो फ्रेंड्स हम पाल्मीरा पाम के से आपको ये क्वेश्चंस हम आप पूछ रहे हैं, जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो पाल्मीरा पाम से जो अपन जूस निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? और पाल्मीरा पाम में पोलिनेशन किसके थ्रू होता है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड।
तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, इंडिया की प्रोडक्टिविटी की बहुत अच्छी है और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है टी का दोस्तों? इंडिया है। तो याद रखिए दोस्तों, टी इंडिया है। और सबसे ज़्यादा टी कहाँ पर होता है दोस्तों? असम में होता है। कहाँ पर होता है? असम, और ये अपना वेस्ट बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लीप एंड अ बर्ड इस टाइप ऑफ प्लकिंग। तो दोस्तों इस तरह की प्लकिंग क्या कर किस में करते हैं? टी की हार्वेस्टिंग को बोलते हैं। क्या दोस्तों? इसमें दो पत्ती और एक बड़ को अपन हाथ से तोड़ लेते हैं। कितना सर दोस्तों, कितना तोड़ते हैं? दो पत्ती और एक बड़, तो इसको बोलते हैं टू लीप अ बड। तो ये प्लकिंग किस में करते हैं फ्रेंड्स? ये करते हैं टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडिंग कार्डमम ग्रोविंग स्टेट इन इंडिया। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि केला कार्डमम बहुत ज़्यादा अग्रणी है प्रोडक्शन में, तो इसका क्या है दोस्तों? केरला इज द करेक्ट आंसर। कार्डमम सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? केरला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनीर बन इज द हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ। तो दोस्तों पनीर जितनी सीरीज है वो किसकी सीरीज है? पनीर किसकी है दोस्तों? ये ब्लैक पेपर की सीरीज है। किसकी दोस्तों? ब्लैक पेपर की सीरीज है। लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिस्टम ऑफ टैपिंग इज यूज इन बडिंग प्लांट ऑफ रबर। तो दोस्तों इसमें SDU-D2 यूज करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? SDU-D2 याद करते हैं दोस्तों। इसका जो पहला पार्ट है, इसमें 200 क्वेश्चन है, और ये इन 200 क्वेश्चन का जो अगले बचे हुए 100 क्वेश्चन है, इसको आप हम नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में बताएंगे। तब तक के दोस्तों जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों नॉलेज के लिए थोड़ी मेहनत कीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखने की आदत डालिए। और तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, और पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए।